Honestly speaking about myself, having a little so mental health is something, it's not something to बहुत ही ज्यादा आप काबिल और बहुत ही ज्यादा लाइफ से भरी हुई हैं। कॉलेज विमेन में सोपोर में किया गया जिसमें बच्चियों ने काफ़ी लार्ज स्केल पर शिरकत की है। बेसिक इसका जो प्रोग्राम था वो नई सोच पे ही था, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ड्रग एडिक्शन और उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरीके की जो वायलेंस हो रही है उस पर हमने ये सेमिनार यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें डिफरेंट स्पीकर्स हमने बुलाए थे और बच्चियों से भी इंटरेक्ट किया। ये हम जो है ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स कर चुके हैं जिसमें ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे भी ये प्रोग्राम्स किए हैं और सारे डिग्री कॉलेजेस में भी हम ये कर रहे हैं ताकि एक तो ड्रग्स पे और साथ में जो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन है या मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं जिसमें सुसाइड्स आ जाती हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो हमारे सोसाइटी में अब डेवलप हो रहे हैं उन सबको केटर कर सकें। नहीं, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो एक नया ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश किया है जो हमने अपने रिसोर्सेज में एस्टैब्लिश किया है PHC सिंहपुरा में और वहाँ पे राउंड द क्लॉक हमने डॉक्टर्स और काउंसलर्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल की हुई है। ये तो कंटिन्यूस हमारा चल रहा है बिकॉज अंडर द बैनर ऑफ नई सोच ये हमारा मकसद ही ये है कि हम हर स्कूल कॉलेज और सिर्फ स्कूल कॉलेजेस तक महदूद ना रहे बल्कि आम सोसाइटी में भी जिसमें जितनी भी पंचायत्स हैं, विलेजेस हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे। देखिए साइबर को भी हम डील कर रहे हैं जहाँ जितनी भी हमें कंप्लेंट्स आई हैं अभी तक ऑलमोस्ट 200 के करीब हमारे पास जो औरतों की कंप्लेंट्स वन स्टॉप सेंटर में आई हैं जिसमें हमने सक्सेसफुली जो है 90% हमने रिजॉल्व भी की है। उसमें हम पुलिस की भी हेल्प लेते हैं, लीगल सर्विसेज की भी हेल्प लेते हैं, कुछ को फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल एड की ज़रूरत होती है उसमें भी हम स्टेप इन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेज जो हैं वो हम वन स्टॉप सेंटर में और डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में रजिस्टर करा के उनका एक बाजाबता एक सिस्टमेटिक अप्रोच से